हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्पेशल के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्पेशली बिहार के लिए है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि बिहार स्पेशल से हमारे लिए कौन से प्रश्न जो हैं बन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं राज्य बिहार के बारे में। दोस्तों, अगर हम लोग बिहार के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी राजधानी जो होगी या कौन सी होगी, पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और अगर हम लोग इसके साथ साथ बिहार के विस्तार की बात करें कि बिहार का विस्तार क्या है, तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई जो है कुल 362 किलोमीटर है। और अगर हम लोग पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की बात करें इसकी, तो चौड़ाई जो है कुल 483 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके सीमा के बारे में, बिहार की सीमा, ठीक है। तो सीमा के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल व पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्षेत्रफल की। और अगर क्षेत्रफल आ जाए एग्जाम में आपसे पूछ दे कि बिहार का क्षेत्रफल क्या है, तो क्या है बिहार का क्षेत्रफल? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्या बताएंगे आप? बिहार का क्षेत्रफल अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या बताएंगे? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिहार के जनसंख्या के बारे में। जो बिहार की जनसंख्या है दोस्तों, यह कुल जनसंख्या 10,40,99,452। कितना? 10,40,99,452 यह बिहार की जनसंख्या है कुल व्यक्ति, ठीक है। 10,40,99,452 कुल व्यक्ति। और जनसंख्या की दृष्टि से यह देश में तीसरा स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। और यह जनसंख्या जो हम बता रहे हैं आपको, यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। कितने? 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों अगर पुरुषों की, तो पुरुष जो है कुल जो है मिला के 5,42,78,157 पुरुष हैं, ठीक है। और अगर हम लोग महिलाओं की बात करें तो 4,98,21,295 महिला हैं टोटल, ठीक है। और अगर हम लोग दोस्तों यह कैसी वृद्धि दर है, वृद्धि दर की बात करें, तो यह दशकीय वृद्धि दर है, क्योंकि हर 10 साल पे ही तो जनसंख्या वृद्धि जो है काउंट होती है, ठीक है। तो यह दशकीय वृद्धि दर के बारे में अगर आ जाए एग्जाम में, तो यह कब का है डेटा? 2001 से 2011, ठीक है। कुल 25.4%। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 0 से लेके 6 वर्ष आयु की वर्ग की जनसंख्या कितनी है, तो दोस्तों 1,91,33,964। क्या बताएंगे आप? 1,91,33,964, ठीक है। कितने वर्ष के? 0 से 6, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बालकों की बात कर रहे हैं, तो जो है 98,87,239 बालकों की संख्या है। और बालिकाओं की अगर बात करें तो कुल 92,46,725 बालिकाओं की संख्या है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हम लोग बिहार को किस तरह से कवर कर रहे हैं। ये सारे जितने ही टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं साक्षरता की, तो साक्षरता जो है बिहार में यह दोस्तों कुल 61.8%, ठीक है। सन 2011 का यह डेटा है। सन 2011 में यह काउंट किया गया था कि जो साक्षरता दर है बिहार की वह क्या है? 61.8%, ठीक है, 61.8%। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। अक्सर एग्जाम में जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन बनते रहते हैं कि जो है यहाँ का जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का क्या है, बिहार का क्या है, झारखंड का क्या है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है दोस्तों? 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने? 1,106 व्यक्ति। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कला एवं संस्कृति की। तो दोस्तों कला एवं संस्कृति की बात कर रहे हैं बिहार में, तो मधुबनी चित्रकला शैली और पटना चित्रकला शैली, यह कौन सी, यह दोनों शैलियां जो है बिहार में फेमस हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राजभाषा की, कि बिहार की राजभाषा क्या है। तो दोस्तों बिहार की राजभाषा जो है यह हिंदी है।
और नेक्स्ट बात करते हैं अन्य भाषाएं, और कौन कौन सी भाषा चलती है बिहार में, तो उर्दू, मैथिली, मगधी एवं भोजपुरी, और इसके अलावा भी और कई ढेर सारी हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम लोग बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में मैथिली और मगधी ज़्यादा चलती है, ठीक है, और भोजपुरी, यह तीनों ज़्यादा चलती है, सबसे ज़्यादा मैथिली, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो दोस्तों उच्च न्यायालय जो है यह कहाँ पे है बिहार में, बिहार का तो पटना में है, ठीक है, पटना में आपका उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट हम लोग जिलों की बात करते हैं कि बिहार में जिले कौन से हैं, कितने हैं, तो कुल 38 जिले हैं, टोटल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं बिहार में, ठीक है। और अगर हम लोग गांव की बात करें तो गांव में जो है 44,874 गांव है, कुल कितने हैं, 44,874 गांव हैं। जिलों की बात कर रहे हैं हम लोग अगर बिहार के, तो बिहार में कुल 38 जिले हैं, ठीक है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में जिलों की बात करें तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और बिहार में कुल 38 जिले हैं, ठीक है। गांव की संख्या कितनी है, तो 44,874 गांव है कुल टोटल, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग दोस्तों शहरों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, तो शहरों की संख्या कितनी है, कुल 139 शहर हैं, ठीक है, कितने शहर हैं, कुल 139 शहर हैं। और अगर हम लोग इसके साथ साथ राजकीय पशु के बारे में बात कर लेते हैं कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो दोस्तों बैल है, ठीक है, बैल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राजकीय पक्षी के बारे में बात करते हैं, तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है यह घरेलू गौरैया है, क्या है, घरेलू गौरैया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस स्पैरो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में, राजकीय वृक्ष जो है यह हमारा पीपल है बिहार का राजकीय वृक्ष, और राजकीय पुष्प की बात करें तो कचनार, ठीक है, राजकीय पुष्प कौन सा है बिहार का, तो कचनार जो है बिहार का राजकीय पुष्प है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और टर्म्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कृषि, ठीक है। अगर हम लोग कृषि की बात करें दोस्तों, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, कैसा राज्य है बिहार, एक कृषि प्रधान राज्य है बिहार, और यहाँ की 85% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या, 85% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, और यहाँ की 80% से अधिक कृषि योग्य भूमि पर खाद्यान्न पैदा किया जाता है, कितना, तो कुल मिला के 80% से अधिक, ठीक है, मतलब 80 से भी जो है प्लस, ठीक है, अधिक कृषि योग्य भूमि पर खाद्यान्न पैदा होता है, तो जाहिर सी बात है इनका जो है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि पे ही स्पेशली निर्भर है, तो जमीन तो ज़्यादा होगी ही कृषि के लिए, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा, पटना राजधानी क्या है, पटना, विस्तार उत्तर से दक्षिण, लंबाई में 362, चौड़ाई में 483, ठीक है, और सीमा की बात करें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व से पश्चिम में बंगाल व पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें अगर हम लोग, तो क्षेत्रफल में कितना कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। जनसंख्या की बात करें तो 10,40,99,452, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो, पुरुष की बात करें तो कितने, 5,42,78,157, महिला की बात करें तो 4,98,21,295। 10 की वृद्धि दर क्या है दोस्तों, तो 2001 से 2011 का डेटा है हमारे पास, 25.4%, ठीक है, 25.4। इसके साथ साथ अगर हम लोग 0 से लेकर 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के बारे में बात करें तो 1,91,33,964, ठीक है। बालक और बालिका की बात करें तो, बालक की बात करें तो 98,87,239, ठीक है। बालिका की बात करें तो 92,46,725, और साक्षरता की बात करें तो कितने प्रतिशत साक्षर हैं, 61.8%, ठीक है, सन 2011 का डेटा है। साक्षरता दर कितनी है, 61.8%। जनसंख्या घनत्व 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। संस्कृति, कला एवं संस्कृति की बात करें तो मधुबनी चित्रकला शैली और पटना चित्रकला शैली दोनों फेमस है। राजभाषा हिंदी, अन्य भाषाएं उर्दू, मैथिली, मगधी एवं भोजपुरी, ठीक है। उच्च न्यायालय पटना, जिले 38, गांव 44,874, शहरों की संख्या 139, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया, ठीक है।
और राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प कचनार। ठीक है, तो यह हो गया आपका आज का टॉपिक, यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो जो है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसे ही आपको आगे और वीडियो मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे ठीक है। तो यह था आपका बिहार स्पेशल। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।